दस ग्यारह बारह ल्जा को हम इन शह तन्नत इब्राहिमी पर अमल करते हुए अल्लाह की राह में क़ुरबानी पेश करेंगे हमको चाहिए कि हम इन बातों का ख़ास ख़्याल रखें जैसे उन जानवरों की ही कुर्बानी करें जिनकी हुकूमत की जानब से इजाज़त है जानवर किसी के दुकान या मकान के सामने उनके दरवाज़े पर ना बांधे जाए कोई ऐसा काम ना करें कि पड़ोसियों को या अहले वतन को हमारे उस फ़ेल से तकलीफ़ पहुंचे। बड़े जानवरों को गलियों और मोहल्लों में ना घुमाएं। कुर्बानी करते हुए जानवरों की वीडियो हरगिज़ न बनाए कुर्बानी उसी जगह पर करें जिन जगहों का तयन हुकूमत की जानब से किया गया है साफ़ सफ़ाई का ख़ास ख़याल रखें कि गंदगी से बीमारी फैलने का ख़तरा पैदा हो जाता है जानवरों की वो चीज़ें जो फेंक दी जाती है जैसे ओझड़ी वग़ैरह उसको प्लास्टिक की थैली में रख कर बल्दिया म्यूनसपलिटी ग्राम पंचायत की जानिब से जो डब्बे लगाए जाते हैं उन डब्बों में ही डालें रास्ते में या और किसी जगह पर उसको ना फेंकें खून आलूद कपड़े कुर्बानी के बाद हमारे कपड़े कपड़ों में खून लग जाता है वो कपड़े ना पहने फौरन कुर्बानी के बाद अपने कपड़े बदल लें इसके अलावा और भी जो बेहतर तदबीरें की जा सकती हैं वो तदबीरें की जाएँ जिससे अमन वामान सुकून और उत्मनान के साथ कुर्बानी का फरीजा हम अंजाम दे सकें खुदा हाफिजुनासर